हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीतीश और आप देख रहे हैं फोर्स यानी कि एजुकेशन फॉर सिविल। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, आज का जो वीडियो है फंक्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट्स इन मोर्टार। आज का जो टॉपिक है फंक्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट्स इन मोर्टार और कंक्रीट। दोस्तों, हालांकि मैं आपको अभी कंक्रीट के बारे में कुछ बात किया नहीं हूं, बट मोर्टार में भी जो टॉपिक चलती आ रही है मैं उसका ये पार्ट था। मैं बोला था कि लास्ट में पिछली वीडियो में देख बोला था कि मैं आपको फंक्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट्स के बारे में बताने वाला हूँ, उसे क्या क्या फंक्शन होते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं और एक्चुअली ये पूछा भी गया मेरे फ्रेंड से, ये फॉर योर इंटरव्यू इंटरव्यू और एसएससी के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप जरूर एंड तक देखेंगे और इसको मैं बहुत ही शॉर्टकट में बताऊंगा एक ट्रिक के सहारे। तो चलिए, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं आज इस वीडियो को। तो इसका जो टाइप्स है फंक्शन है उसको मैं याद करने लिए एक फॉर्मूला आपको दे देता हूँ। इसका जस्ट एक नोट आप हमेशा याद रखो, एक नोट में मैं दे रहा हूं। इसका जो है SBSSS, ये आपको याद रखना है। अब मैं सारे इससे ही आप इसकी फंक्शन है जो भी वो मैं लिख डालूंगा, उसके बाद धीरे धीरे मैं एक करके डिस्क्राइब आपको करता जाऊंगा। इसका जो पहला है, दिस एस स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, दिस बी स्टैंड फॉर बल्क, दिस एस स्टैंड फॉर सरफेस एरिया, नंबर फोर दिस एस स्टैंड फॉर श्रिंकेज एंड लास्ट वन दिस स्टैंड फॉर नंबर फाइव इज सेटिंग। दोस्तों, हम लोग जब भी फाइन एग्रीगेट्स मोर्टार में यूज करते हैं, जनरली हमारा जो भी मोटो होता है पर्पस फाइन एग्रीगेट डालने का, वो स्ट्रेंथ, बल्क, सरफेस एरिया, श्रिंकेज और लास्ट जो होती है सेटिंग। अभी मैं इसके बारे में पूरी अच्छे से डिटेल में बात करूंगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, तो पहला पॉइंट है स्ट्रेंथ। तो फाइन एग्रीगेट्स का मैं बात कर रहा हूं, तो जो भी मोर्टार हम लोग बनाते हैं, जो भी हम लोग मोर्टार बनाने में जो भी हम लोग दो मटेरियल यूज करते हैं, पहला सीमेंट दूसरा सैंड, यानी कि ये फाइन एग्रीगेट्स। तो उस मोर्टार में जो भी स्ट्रेंथ होता है वो आता कहां से है, पहले तो मैं उसके बारे में बता दूं कि लेट ये मोर्टार मैंने बनाया, इसमें मैंने क्या क्या मिलाया था, सीमेंट प्लस फाइन एग्रीगेट्स प्लस वाटर, ये तीन चीज मिला के मैंने मोर्टार बनाया। तो इसमें जो पहला जो पॉइंट है, फाइन एग्रीगेट्स डज नॉट इम्पार्ट स्ट्रेंथ टू द मोर्टार। इसका पहला जो मैं बता रहा हूं, इट फाइन एग्रीगेट्स डज नॉट इम्पार्ट स्ट्रेंथ टू द मोटर। फाइन एग्रीगेट्स डज नॉट इम्पार्ट स्ट्रेंथ टू द मोटर, जो यानी कि जो भी मैंने फाइन एग्रीगेट्स यूज किए वो स्ट्रेंथ नहीं देता है मोटर को, बट इट हेल्प्स इन रीएडजस्टिंग ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मोटर। यानी कि ये जो फाइन एग्रीगेट्स होता है वो स्ट्रेंथ तो नहीं देता, बट इट हेल्प्स इन रीएडजस्टिंग ऑफ अ स्ट्रेंथ ऑफ
मोटर, यानी कि इसमें जो स्ट्रेंथ कहां से आया, ये तो स्ट्रेंथ दिया नहीं, तो स्ट्रेंथ में आया कहां से, स्ट्रेंथ आया सीमेंट से, ये स्ट्रेंथ मेरा भी है मोटर को, इसको हेल्प करता है रीएडजस्टमेंट करने में फाइन एग्रीगेट्स, हेल्प इट हेल्प्स टू इन रीएडजस्टिंग ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मोटर, इट इज अचीव बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑफ फाइन एग्रीगेट्स प्रोपोर्शन, ये कैसे मिलेगा, तो जो भी फाइन एग्रीगेट्स की अगर आप प्रोपोर्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करोगे तो ये आपको स्ट्रेंथ हेल्प करने में, रीएडजस्टमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मोटर को हेल्प करने में ये मदद करेगा। दोस्तों नेक्स्ट है नंबर टू बल, ये है यूज ऑफ फाइन एग्रीगेट्स इन मोटर टू इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, देयर बाय डिक्रीज इट्स कॉस्ट। दोस्तों ये जो हम लोग यूज करते फाइन एग्रीगेट्स, अगर बल्क में आप यूज करोगे तो मोटर की जो भी वॉल्यूम होती है इंक्रीज कर देगा और उसकी कॉस्ट को डिक्रीज कर देगा। नेक्स्ट है सरफेस एरिया। दोस्तों फाइन एग्रीगेट्स सरफेस एरिया कैसे अफेक्ट करता है, कि जब हम लोग उस फाइन एग्रीगेट्स को सीमेंट के साथ मिलाते हैं, जो भी बाइंडिंग मटेरियल होता है उसके साथ मिलाते हैं, तो क्या करता है वो कि पेस्ट को, एक पेस्ट बनाते हैं, मोटर का एक पेस्ट है, तो पेस्ट को ये नंबर ऑफ लेयर्स में डिवाइड कर देता है, जिसके कारण हम लोग बाइंडिंग ऑफ ब्रेक्स या फिर जो भी हम लोग वर्क करते हैं वो इजीली कर पाते हैं। तो इसका डिफिनेशन हो गया यूज ऑफ फाइन एग्रीगेट्स इन मोटर, इट divides the paste paste of binding material into number of layers by which increasing the surface area through it can be applied, जो भी हम लोग काम करते हैं वो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ये क्या करता है दोस्तों, फाइन एग्रीगेट्स इट डिवाइड्स द पेस्ट इनटू नंबर ऑफ लेयर्स बाय विच इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, जो कि नंबर ऑफ लेयर्स को डिवाइड कर जाएगा क्या होता है कि सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाता है, जैसे अगर हम लोग जो भी काम करना होता है हम लोग कर पाते हैं। जनरली क्या होता है कि हम लोग या तो प्लास्टिक में यूज करते हैं मोटर को या बाइंडिंग ऑफ ब्रिक्स, तो हम लोग सरफेस एरिया जितना ज्यादा इंक्रीज होता है हम लोग आसानी से जो भी होता है हम लोग बाइंडिंग कर पाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों नंबर फोर है श्रिंकेज। अपने अपने घर में जहां भी ये अपने ब्रिक वर्क किया होगा या फिर प्लास्टरिंग जहां भी अभी आपने किया होगा वहां पे आपने अक्सर नोट किया होगा कुछ दिनों के बाद आपके घर में क्रैक्स आ जाते हैं। इस तरीके से क्रैक्स क्यों आते हैं आपने कभी ये नोटिस किया है? आपको पता नहीं होगा, अगर आप सिविल इंजीनियर नहीं हो, एक नॉर्मल पर्सन हो, तो आप को पता नहीं होगा ये क्रैक्स क्यों आ जाते हैं। दोस्तों इससे मैं बोलता हूँ, वैसे मेरे वीडियो जो भी सिविल इंजीनियरिंग की जो भी वीडियो है
आप कोई भी देख सकते हो, कोई भी एक नॉर्मल पर्सन भी देख सकते हो, क्योंकि आपके घर में ये सब सारी चीजें होती है जो मैं अभी आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो क्रैश क्यों आते हैं दोस्तों, कोई भी हम लोग पे अगर प्लास्टर करते हैं तो उसमें कुछ रेशियो होते हैं क्योंकि वो फॉलो नहीं करते हैं अपने अनुसार। जो भी आपको मिस्त्री बोल दिए, जो भी आपके लेबर मिस्त्री होते हैं, कॉन्ट्रेक्टर होते हैं, वो आपको बोलते हैं ऐसा कर दो ऐसा कर दो, तो आप वैसा ही कर देते हो, कुछ दिनों बाद आपके घर में क्रैक्स आ जाते हैं। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसी कुछ रेशियो हम खुद सिविल इंजीनियर जो भी होते हैं वो डिसाइड करते हैं। हम लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हुए होते हैं तो हमें पता होता है कि हमें कितने रेशियो में डालना चाहिए ताकि इस जोन का घर है, जो भी एरिया का, इस इलाके में कितनी गर्मी है, कितनी टेम्परेचर है, कोल्ड वेदर है, तो हर एक तरह से ये सब डिपेंड करता है रेशियो जो भी क्रैक्स होते हैं उसके ऊपर। तो उस पर हम लोग सारे एक्सपेरिमेंट किए होते हैं, तो हम लोग सीधा एक आपको एक प्रोपोर्शन देते हैं कि ये इस रेशियो में आप यूज करो, इस जोन में आपका घर है तो उसमें आप यूज करोगे तो आपका जो भी घर होगा वो कभी क्रैक नहीं आएगा। तो उसमें श्रिंकेज का एक बहुत बड़ा रोल होता है, जो कि मैंने फोर्थ में यूज ऑफ फाइन एग्रीगेट्स इन मोर्टार रिड्यूसेस श्रिंकेज बाय रिड्यूसिंग इट्स प्रोपोर्शन व्हिच इन टर्म्स रिड्यूस वॉल्यूम चेंजेस एंड टेंडेंसी ऑफ डेवलपिंग क्रैक। यहां बस मैं दोस्तों यही बोलना चाह रहा हूं कि यूज ऑफ फाइन एग्रीगेट इन मोर्टार, अगर आप उसे रिड्यूस करते हो, इट्स श्रिंकेज By reducing its proportion, अगर आप उसी proportion को, जो proportion है आपको उस proportion से आप reduce करते हो fine aggregates को, तो which in terms to reduce volume changes में उसको volume क्या होगा वो reduce हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, tendency of development of crack, उसमें क्या आ जाएंगे कि cracks के tendency उसमें develop हो जाएंगे। तो दोस्तों अपन लोग को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम अपन जब भी घर बनाए, जब भी हम लोग प्लास्टरिंग करें या फिर ब्रिक वर्क का यूज करें, तो अपन लोग को हमेशा जो भी प्रोसीजर फॉलो करना है, इंजीनियर जो भी आपको बोलते हैं वो उसको आपको फॉलो जरूर करना है। अदरवाइज आप खुद अपने घर की जो भी आपको क्रैक्स आ जाते हैं उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। नेक्स्ट सेटिंग, यूज ऑफ फाइन एग्रीगेट्स इन मोर्टार इन यूनिफॉर्म सेटिंग बाय परमिटिंग हीट एंड गैसेस टू एस्केप थ्रू इट ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स परमियबिलिटी। हम लोग फाइन एग्रीगेट्स जो यूज करते हैं अपने मोर्टार में, उसमें देखे होंगे कि जो भी सैंड होता है फाइन एग्रीगेट्स, उसके बीच की जो स्पेस होते बने होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा इस तरीके से हीट और गैस को पास होने के लिए उसमें जो भी वॉइड्स होते हैं वो रहते हैं, जिसके कारण हमारा जो भी होता है हीट और गैस एस्केप कर जाते हैं थ्रू इट ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स परमियबिलिटी। वो हालांकि आपको ओपन आई से नहीं दिखते हैं, बट उसमें होते हैं परमियबिलिटी, जिसके कारण वो हीट और गैसें उससे एस्केप कर जाते हैं। दोस्तों इसी तरह की वीडियो में हमेशा लेकर आता रहता हूँ इस चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे एक लाइक जरूर करें। और इसकी नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें आपको कुछ रेशियो बताऊंगा कि कौन सा, अगर आप अगर पेरिस प्लास्टरिंग कर रहे हो तो आपको कौन सा रेशियो यूज करना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क जितने भी होते हैं उस सारे का मैं रेशियो बताऊंगा। तो वीडियो को नेक्स्ट वीडियो मेरी जरूरी देखना, ताकि इस वीडियो से और उस वीडियो में आपको पूरी नॉलेज हो जाए प्लास्टरिंग के बारे में। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपने दोस्तों से जरूर ही शेयर करें। धन्यवाद।